नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर लेकर आया हूँ। बहुत जल्द आपकी सैलरी यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की सैलरी पेरोल मॉड्यूल से आने वाली है। आप सभी जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल की पेरोल मॉड्यूल से देने की बात चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की सैलरी। इसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, और सभी BRC से आपके अकाउंट से संबंधित जो आपकी कटौती होती है उसकी जानकारी भी एकत्रित कर ली गई है, और उसमें अगर कोई करेक्शन होना था तो वो भी कर दिया गया है। उनकी फीडिंग पूरे जोर शोर से चल रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपकी सैलरी एक नए प्रारूप पर, एक नए फॉर्मेट पर आएगी, यानी पेरोल मॉड्यूल के अनुसार आएगी, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आएगी। और दोस्तों, अगले महीने आपको मानव संपदा पोर्टल पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको मानव संपदा पोर्टल पर दिखेगी आपकी अपनी सैलरी स्लिप। इस सैलरी स्लिप को आप डाउनलोड कर पाएंगे जब भी आपका मन करे, जब आपको इसकी ज़रूरत हो तभी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इस साल के अंत में आपको मानव संपदा पोर्टल पर दिखेगा फॉर्म 16। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में सैलरी पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आना शुरू भी हो गया है। अगर आपके यहाँ अभी सैलरी पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से नहीं आ रही है तो बहुत जल्द आपके यहाँ भी सैलरी पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आएगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी सैलरी स्लिप कैसी होगी, क्या क्या बातें उसमें दर्ज होंगी और किस फॉर्मेट पर आपकी सैलरी स्लिप आएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं। इन वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करता हूं, जिससे सारी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिखाता हूँ आपको कि आपकी सैलरी स्लिप किस तरह की आएगी। यहाँ देखें आपकी सैलरी स्लिप कैसी आएगी। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। ये सैलरी स्लिप का इस तरह का फॉर्मेट होगा आपका। ये अगस्त के महीने की सैलरी स्लिप है, अगस्त 2020। इसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका EHRMS कोड लिखा होगा और डेजिग्नेशन लिखा होगा, फिर आपके स्कूल का नाम होगा, ज्वाइनिंग डेट भी इसके अंदर लिखी होगी, आपका अकाउंट नंबर होगा, पेमेंट का मोड यानी कि बैंक ट्रांसफ़र ये लिखा होगा यहाँ पर, और इसमें किस आपके बैंक में सैलरी आती है उस बैंक का नाम भी लिखा होगा। यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें आती है अर्निंग, यानी कि आपका बेसिक कितना है, आपका ग्रेड पे कितना है, DA कितना है, HRA कितना है, CCA कितना है, इस तरह की जो टोटल आपकी अर्निंग है वो भी यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। इसके बाद डिडक्शन की बारी आती है, आपका GPF का डिडक्शन कितना होता है वो सब लिखा होगा, और आपका एडवांस जो GPF कट जाता है वो सब लिखा होगा, इनकम टैक्स की का भी ब्यौरा होगा, ग्रुप इंश्योरेंस कितना है वो भी लिखा होगा यहाँ पर, और कोई अदर डिडक्शन होता है तो उसके बारे में भी यहाँ पर शो होगा। फिर नीचे लिखा होगा टोटल अर्निंग, फिर टोटल डिडक्शन, और फिर नीचे लिखा होगा नेट पे। तो
तो इस तरह से आपकी सैलरी स्लिप आएगी। इसमें सब कुछ पूरा ब्यौरा होगा, आपका खाते का नंबर, आपकी बैंक का नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी बेसिक पे कितनी है, ग्रेड पे कितनी है, डीए कितना मिलता है आपको, एचआरए क्या होगा, और आपकी जो डिडक्शन होती है वो सब कितनी होगी, ये सब आपको आपकी मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध मिलेगी। वहाँ से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे नीचे लिखा होगा, दिस इज ए सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट एंड नीड्स नो सिग्नेचर। ये एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से डिजिटली है और इस पर किसी भी साइन की या सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताना था कि आपकी सैलरी स्लिप किस तरह की आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।